बारा शहर के अंदर कमाटी बाग सयाजीगंज के एक गेट के सामने काफ़ी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और पीसफुल, यानी कि कोई शोर शराबा, कोई नारेबाजी नहीं और कोई उधमबाजी नहीं, बहुत शांति के साथ कुछ बुज़ुर्ग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हैं आकर। सर, अभी आप तमाम ये लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है खड़ा होने की आपकी? देखिए, वजह तो ये है कि आज और जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी वो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ कर के जो गांधी जी के सिद्धांत थे उनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। देश में नागरिकता कानून पहले से है, उसमें कोई नया अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने उसमें जानबूझकर देश में एक कौमी तनाव फैलाने के इरादे से ये जो कानून में बदलाव किया है, तो उसके अगेंस्ट में भी ये जो ह्यूमन चेन है उसका आयोजन हुआ है। पूरे देश में हम भारत के लोग के बैनर के तले 100 से ज़्यादा संगठन इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों ने ये कॉल दिया है, तो इसलिए हम बंधारण की जो भावना है वो भावना के पक्ष में आज ये ह्यूमन चेन बना करके यहाँ अपना समर्थन। आइए पूछते हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग और खड़े हुए हैं, उनसे कि ये आज जो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए और यहाँ पर रोड पर निकलने की इनकी क्या वजह रही? सर, आप क्यों खड़े हुए यहाँ पे? आज पूरे देश को रोड पे आना चाहिए। ओके। क्योंकि हमारे देश का संविधान खतरे में है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता, सबसे ऊपर संविधान होता है। और मैं तो वायुसेना से आया हूँ, मैं वायुसेना में था। क्या नाम है सर आपका? रतिलाल देसाई, और महापौर भी था इसी शहर का, एक्स मेयर हूँ मैं। ओके। तो मैंने देखा है कि ये देश के अंदर एक भाईचारा था, सौहार्द था, सब मिलजुल के हम फौज में काम करते थे, युद्ध में भी हम सब मिलजुल के लड़ते हैं, पर आज एक वैमन्य खड़ा किया जा रहा है। लोग नाती जाति और कौम पे लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है और इसी वजह से ये जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, नागरिकता कानून लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारे गुजरात का जो मुख्यमंत्री है वो खुद बर्मा का है। ओके। वहाँ का नागरिक है और वो आज गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। आप बताइए कि क्या कानून पे वो बैठ बन गया इस देश का नागरिक, कैसे बन गया वो देश का, गुजरात का मुख्यमंत्री कैसे बन गया? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था कि 1925 में जब स्थापना हुई तो 2025 तक इनको हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उसके जो एजेंडा के तहत ये एक के बाद एक अपना जो मुद्दे है वो आगे कर रहे हैं। इनका प्लानिंग है, ये षड्यंत्र है लोगों को गुमराह करने का, लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को फिर से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। उसके तहत ये पहचान गए हैं, जाग चुके हैं लोग। हाँ, लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कि हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांट सकते, हम भारतीय पहले है और आखिर में भी भारतीय है। देखिए, ये हमारे लोगों का कहना है कि लोग जाग चुके हैं। अभी तक लोग एक आंटी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो तमाम के तमाम लोग खड़े हुए हैं, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग हैं, ये तमाम के तमाम क्यों लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और ऐसे रोड पर आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो 71 साल पहले महात्मा गांधी जी को इसी टाइम ऑलमोस्ट उनको मारा गया, जो हमारे देश के महापुरुष थे। एब्सोल्युटली, हाँ, जो अहिंसा के विरुद्ध बात करते थे उनको हिंसक तरीके से बहुत ही सामने से गोलियां मारी गई, उसको याद करते हुए। और आज की जो स्थिति है देश में, जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा उल्लंघन हो रहा है, उसके उसको बचाने के लिए और अपना विरोध दिखाने के लिए जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसके विरोध हम लोग आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। शांति चाहते हैं हम लोग। इस देश की जो सोशल फैब्रिक है वो है सेक्युलर फैब्रिक है, सब लोग इकट्ठे रहें। ये जो देश है ये रिलीजन के नाम पे खड़ा नहीं हुआ है, सेक्युलर वैल्यूज़ हैं हमारी, डाइवर्सिटी है, और इस सबको अगर हम लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग